ब्रिटेन की अदालत ने भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के दुनिया भर के खातों पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है जिसमें माल्या से 13 बैंकों के 1.55 अरब डॉलर की रकम वसूलने के लिए ये रोक लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में कल एक हमले में घायल हुए 19 वर्षीय दलित छात्र की मौत हो गई है। पुलिस ने 7 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। बीजेपी विधायक के बेटे पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की को मिल रही है जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर के माता पिता हंसा ठाकुर और नरेंद्र ठाकुर सड़क दुर्घटना में घायल, अस्पताल में है भर्ती। पंजाब एजुकेशनल बोर्ड के 10वीं के नतीजे आज 12 बजे होंगे जारी। पंजाब बोर्ड ने कल 10वीं की मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। अमेरिका के परमाणु डील से हाथ खींचने के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि वो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दूसरे देशों के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के संग परमाणु समझौता रद्द करने को एक गंभीर भूल बताया है। कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में गूगल की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल कीनोट 2018 कल से शुरू हो गई है। ये इवेंट 10 मई तक चलेगा। उम्मीद है कि गूगल अपने सालाना कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी घोषणाएं कर सकता है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने लोक सेवा आयोग की प्रिंसिपल परीक्षा पास करने वाले SC/ST छात्रों को 1,50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ये रकम छात्रों को UPSC मेंस की तैयारी के लिए दी जाएगी। IPL 2018 में आज दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस से होगा।